गायत्रेन त्वा छंदसा परिगणामि तेष्टुवेन त्वा छंदसा परिगणामि जागतेन त्वा छंदसा परिगणामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषुदा चाश्चर्यस्ति चस्ति पयस्वति च। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। व्यक्ति की उन्नति किस प्रकार होती है, आज का मंत्र इस बारे में है। आज का हमारा विषय है मंत्र का, सब लोक हित में, सब काम जो है लोक हित में करने से उन्नति होती है। यह कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से हमने व्याख्या ली है। कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक के लेखक और उस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा भी सकते हैं। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब में हमारा दृष्टिकोण प्राण शक्ति की रक्षा, तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति तथा लोक हित में होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित ही हमारे घर उच्च कोटि के निवास के योग्य, मंगल से भरपूर, सुखकारी, लोगों के विश्राम के योग्य, सब प्रकार के बलों व प्राण शक्ति से संपन्न तथा सब प्रकार की वृद्धि उन्नति का कारण बनेंगे। यजुर्वेद का यह प्रथम अध्याय का 27वां मंत्र इस प्रकार प्रकाश डाल रहा है। मंत्र गायत्रेन त्वा छंदसा परिगणामि तेष्टुवेन त्वा छंदसा परिगणामि जागतेन त्वा छंदसा परिगणामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषुदा चाश्रुतवती चासि पयस्वती च। यजुर्वेद 1:27। इस मंत्र में किन किन बातों के लिए कहा गया है, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? प्रथम कि प्राण शक्ति की रक्षा, तीनों प्रकार के तापों से निवृत्ति द्वितीय, तृतीय लोक हित का होना। ये तीन बातें प्रमुख रूप से बताई गई हैं। अब मानव के लिए उनकी तीन क्रियाओं का विशेष महत्व होता है, प्राण शक्ति की रक्षा करना, त्रिविध तापों से निवृत्ति और जन कल्याण लोक हित के कार्य। जब इस प्रकार के कार्य होंगे तो हमारे घर, जिन्हें भी हम निवास कहते हैं, यह उत्तम प्रकार के निवास योग्य हो जाएंगे, सुखकारक होंगे, लोगों के विश्राम के योग्य होंगे, यह बल प्राण शक्ति से संपन्न होंगे, इस प्रकार यह सब प्रकार की वृद्धि और उन्नति का कारण होंगे। जो हमारे निवास स्थान हैं वह प्राण शक्ति से भरपूर बन जाएंगे इस प्रकार, और वहाँ जो है उन्नति होगी, वृद्धि होगी, उसके कारक रूप बन जाएंगे। अब हम इस मंत्र के विस्तृत भाव को समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र के प्रथम प्रश्न इस मंत्र में किया गया है कि हम इस संसार में आए हैं, हमारे लिए संसार में परमपिता परमात्मा ने अनेक वस्तुएँ भी बनाए रखी हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इन वस्तुओं को किस रूप में अथवा किस प्रकार स्वीकार करें, या यूं कहें कि हम इन वस्तुओं से किस दृष्टिकोण से इन वस्तुओं को लें अथवा प्रयोग करें। इस विषय का उत्तर देते हुए प्रभु ने चार बिंदुओं को सामने रखा है। प्रश्न है कि हम संसार में जो वस्तुएं बनाकर रखी हुई हैं परमेश्वर ने हमारे लिए, उनको किस दृष्टिकोण से उपयोग करें, प्रयोग करें, लें। तो प्रथम चार बिंदुओं को, जिन चार बिंदुओं से उत्तर दिया है परमात्मा ने, उनमें से प्रथम बिंदु है कि हम प्राण शक्ति के लिए ग्रहण करें। मंत्र उपदेश करता है कि, या कह रहा है कि, मानव जब इन पदार्थों की आवश्यकता अनुभव करता है तो यह विचार कर इन्हें प्राप्त करता है कि यह जो भी वस्तु दी हुई प्राप्त हुई हैं यह केवल प्राणों की रक्षा के लिए प्राप्त हो रहा है। मानव के लिए प्राण ही शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब इस शरीर में प्राण गति कर रहे होते हैं तब तक ही शरीर गति करता है। जो ही इस दिशा से प्राण निकल जाते हैं शरीर से, जो ही शरीर का उपयोग के लिए उपयोगी नहीं रह जाता। अब तो परिजन भी शरीर से मोह नहीं रखते। अब वहाँ से शीघ्र ही परिवार से दूर एकांत में जाकर सबके सामने इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, दूसरे शब्दों में अग्नि को भेंट कर देते हैं। अर्थात शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह है प्राण। प्राण की रक्षा सर्वोत्तम चीज़ मानी गई है, क्योंकि प्राण अगर चले जाते हैं शरीर को छोड़ के तो उसी क्षण घर वाले जो हैं हमें धीरे धीरे दूर करने लगते हैं, और कुछ ही समय के बाद ले जाकर दूर एकांत में सबके सामने जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं, अग्नि के शरीर को हवाले कर देते हैं। इसलिए मंत्र कहा गया है मंत्र में कि हम इस पदार्थ को प्राण की रक्षा के लिए प्रयोग करें, ग्रहण कर रहे हैं। अतः हम इस वस्तु को अपने प्राणों की रक्षा की भावना से, रक्षा की इच्छा से प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए कुछ अन्य अवधारणाएँ इस प्रकार दी हुई हैं। प्रथम क्या, खुला और हवादार घर बनावें। मानव को अन्य पशु व पक्षियों की भांति नहीं रहना चाहिए होता, इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मानव के लिए सर छुपाने के लिए छत की आवश्यकता होती है। अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए घर का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार इस कारण से किसी का घर बड़ा होता है तो किसी का छोटा।
यह मंत्र हमारे निवास के लिए बनाए जाने वाले घर के लिए उपदेश कर रहा है कि हमारा घर ऐसा हो जिसमें हमारे प्राण शक्ति बड़ी सरलता से प्रविष्ट हो सके। सूर्य सब रोगों का विनाश करने वाला होता है, इसीलिए घर ऐसा हो कि जिसमें सूर्य की किरणें सरलता से प्रवेश कर सके। इसके साथ ही सब घर की छत ऊंची हो, और घर की छत ऊंची होने के साथ खूब खिड़कियां, खुले दरवाजे घर में बनाए जाएं ताकि खुली हवा वायु का प्रवेश सरलता से हो सके। यह वायु और सूर्य का प्रकाश किरणें यदि घर में सरलता से प्रवेश करेंगे तो हमारे प्राण शक्ति बढ़ने से हमारी आयु लंबी हो जाएगी। घर का निर्माण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रथम जो है कि प्राणवायु के लिए, वायु का आने के लिए खिड़कियां पर्याप्त हो, दरवाजे उचित रूप में हो कि वायु का प्रवाह सही हो जिससे कि प्राणवायु उचित मात्रा में हमें मिल सके। द्वितीय, सूर्य जो है वो सब रोगों का विनाश का कारण होता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं सारे रोगों के कीटाणुओं को जो है खत्म करती हैं, इसीलिए सूर्य की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाएँ, सरलता से आ जाएँ, उनका हम लाभ ले सकें, इसका भी उपाय प्रबंध करना चाहिए। द्वितीय बात, पोषक भोजन। प्रत्येक प्राणी के लिए सो शांति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शुद्ध और शांति के लिए भोजन तो कोई भी किया जा सकता है, किंतु यदि भोजन की व्यवस्था सोच समझकर ना की जाएगी तो यह रोग का कारण भी बन सकता है, प्राण शक्ति के नाश का भी, जबकि भोजन प्राण शक्ति की रक्षा के लिए किया जाता है। इसलिए हम सदा खाद्य पदार्थ लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने घर वही खाद्य सामग्री लाएँ जिसमें पौष्टिकता की प्रचुर मात्रा हो ताकि प्राण शक्ति में वृद्धि हो सके। प्राण शक्ति के लिए जो सबसे शरीर में महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति के लिए जो प्रथम चीज़ होती है कि हम हवा आधार और सूर्य की किरणें जहाँ प्रवेश करती हो ऐसा घर बनाएं। दूसरी बात होती है कि भोजन पौष्टिक हो, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला हो, और ऐसा भोजन ना हो जो प्राण शक्ति की हानि कर दे, उल्टा प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले कार्य करें। तृतीय चीज़, मनुष्य कुछ ना कुछ करता ही रहता है, वह खाली बैठा निठल्ला नहीं बैठ सकता। यदि वह निठल्ला बैठता है तो बेकार हो जाता है, शारीरिक श्रम करने की शक्ति क्षीण हो जाती है तथा प्राण शक्ति कम होकर उसकी आयु भी कम हो जाती है। जो मनुष्य श्रम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, उनके लिए मंत्र आदेश देता है कि वह सदा ऐसा कार्य करें, ऐसा श्रम करें, ऐसी सिद्धियाँ पाने का यत्न करें जो प्राण शक्ति बढ़ाने वाली हो। अर्थात कोई भी कार्य जो करें वह कार्य कैसा हो जिससे प्राण शक्ति बढ़े, प्राण शक्ति बढ़ाने वाला कार्य करें, ना कि प्राण शक्ति घटाने वाला कार्य करें। हमारा कार्य ऐसा हो, कोई भी कृत्य ऐसा हो जिससे प्राण शक्ति बढ़े, प्राण शक्ति में बढ़ोतरी हो और हमारी आयु में वृद्धि हो, दीर्घायु प्राप्त हो, हमारे प्राण उचित रूप से कार्य करें। अगली बात जो कही गई है, सत्संग में रहें। प्राण शक्ति के लिए जिन चीज़ों की बात हो रही है उनमें अगला, सत्संग में रहें। मानव का रहन सहन दो प्रकार का होता है, एक सत्संग के साथ, दूसरा बिना सत्संग के अर्थात कुसंग के साथ। कुसंग नाश का कारण बनता है तो सत्संग निर्माण का कारण बन जाता है। कुसंग में रहने वाला व्यक्ति बुरे कार्यों को करता है, मद्य मांस नशा आदि का सेवन करने लगता है। इन वस्तुओं के सेवन से उसकी प्राण शक्ति का नाश होता है, वह जल्दी ही भयानक रोगों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो छोटी आयु में ही हो जाता है। अर्थात जो सत्संग में नहीं रहता, जो कुसंग में रहता है, वो गलत चीज़ों के सेवन में पड़ जाता है। यहाँ जो पिछली बात बताई गई थी वह भी समझ चाहती है कि भोजन जो है उचित प्रकार का होना चाहिए, प्राण शक्ति घटाने वाला नहीं होना चाहिए। और जब व्यक्ति कुसंग में पड़ता है तो अक्सर वह ऐसी चीज़ों का प्रयोग भी करने लगता है जो उसकी प्राण शक्ति घटाती हैं, जिसके कारण उसका निवास, उसका धीरे धीरे जो है उसकी आयु क्षीण होने लगती है और वह अल्पायु में ही शरीर को त्याग देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु का शिकार हो जाता है। हम सब इसके उलट जो है, अगर सत्संग में जो व्यक्ति रहता है ना, इस सबके उलट उत्तम आचरण में रहता है तो कुसंग में व्यर्थ होने वाला धन बच जाता है प्रथमता, या धन प्रयोग करके वह अति पौष्टिक पदार्थ अपने परिवार व स्वयं के लिए लेने में सक्षम हो जाएगा। इससे उसके प्राण शक्ति विस्तृत होंगे, उसके प्राण बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त उसके पास दान देने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। इस धन से दूसरों को भी ऊपर उठाने में वह सहायता कर सकता है, इससे उसकी ख्याति भी बढ़ जाएगी जो खुशी लाने का कारण बनेगी। इस खुशी से भी प्राण शक्ति बढ़ती है। जब सत्संग में रहते हुए सत्याचरण करेंगे तो उसकी मानव वृत्तियाँ जो हैं वह भी उत्तम बन जाएंगी, या वृत्तियाँ भी उसकी प्राण शक्ति बढ़ाने का कारण बनेगी। अर्थात सत्संग में रहेगा तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। प्रथम तो वह धन बच जाएगा, धन बचेगा तो वह अपने और अपने परिवार के लिए पौष्टिक पदार्थों का
पौष्टिक भोजन का उपयोग कर सकता है जो उस प्राण शक्ति बढ़ाने का कार्य करेगा। दूसरा दान दे सकता है और दान से जो खुशी मिलती है वह भी लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है, लोगों को आगे बढ़ा के जो खुशी मिलती है वह भी प्राण शक्ति बढ़ाने में उसकी मदद करेगी, उसकी ख्याति भी फैलेगी। साथ ही साथ जो है जब सत्संग में रहते हुए सत्य आचरण करेगा तो उसकी मनोवृत्तियाँ जो है वो भी उत्तम हो जाएंगी मनोवृत्तियाँ, और इनसे भी प्राण शक्ति बढ़ेगी उसकी। त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए ग्रहण कर, द्वितीय बात जो कही गई है, मानव सब प्रकार के दुखों से दूर और सुखों के साथ रहने का सदा अभिलाषी होता है, इसके लिए उसे कई प्रकार के यत्न करने होते हैं। इसीलिए मंत्र कह रहा है कि हमारे उपभोग में आने वाले सब पदार्थ हम सब के लोगों को प्राण शक्ति संपन्न करने वाले हों, इनके प्रयोग से सब लोग प्राण शक्ति संपन्न हों, इसके लिए हम पदार्थों को ग्रहण कर, हम इस इच्छा से इस भावना से इन पदार्थों को इन वस्तुओं को ग्रहण करें कि जिनके सेवन से हम त्रिविध तापों को प्राप्त कर सकें। यह त्रिविध तप हैं, आध्यात्मिक अधिदेविक अधिभौतिक तप, इन त्रिविध तपों को हमें जो है सब प्रकार के दुखों का इनसे नाश होता है। इसलिए ग्रहण करना चाहिए ताकि त्रिविध तपों का आध्यात्मिक अधिदेविक अधिभौतिक जो है इन के लिए इसका सेवन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि हम इस इच्छा से इस भावना से तुझे ग्रहण करते हैं कि ताकि मेरे घर परिवार में तीनों अर्थात प्रकृति जीव और परमात्मा का स्तंभन होता रहे। यह तीनों ही प्राण शक्ति का आधार हैं। कौन कौन? प्रकृति जीव और परमात्मा। इसलिए इन तीनों का ठीक प्रकार से कार्य करना ठीक प्रकार से आवश्यक होता है, विचार करना आवश्यक होता है। तृतीय, जनहित के लिए पदार्थों का सेवन करें। मानव का कल्याण तभी होता है जब मानव हित तभी होता है, अर्थात जबकि जगती का हित हो, पूरी दुनिया का हित हो, विश्व का हित हो। इसीलिए हमें यह कार्य भी करना चाहिए, वह ही पदार्थ प्रयोग करना चाहिए जिनसे दुनिया का हित हो, विश्व का हित हो। अतः जो पदार्थ हम ग्रहण करें वह जगती के हित कामना से, विश्व के हित कामना से, हित की इच्छा से ग्रहण करें। हमारे अंदर सदा लौकिक और जनहित की भावना का होना आवश्यक होता है। अतः हम जो भी पदार्थ ग्रहण करें उसे लोक हित के लिए समर्थ होने के लिए ही पाना होगा। स्वयं को लोक हित के लिए अधिक समर्थ होने का सदा हमें यत्न करना चाहिए, अर्थात जो भी ग्रहण करें उसको इस भावना से ग्रहण करें कि इसका उपयोग, इसका प्रयोग लोक हित की कामना से हम करेंगे और इसके लिए समर्थ होने का सदा यत्न करना चाहिए। भोजन भी हम स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, इसीलिए हम सदा इस प्रकार का भोजन करें जो सुपाच्य हो, पौष्टिक हो, जो भोजन हमें स्वस्थ भी रखे। हम सदा ऐसा भोजन करें जिससे हम दीर्घजीवी बन सकें, सदा लोक संग्रहक लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहें। चतुर्थ, गात्रेय त्रिपुष्ट और जागत श्रेणी का घर बनावे। जब हम दृष्टिकोण इस मंत्र के उपदेशों के अनुरूप हमारा दृष्टिकोण बन जाएगा ना, तब यह गात्रेय त्रिशु और जागत की श्रेणी में होगा। हमारा घर सब प्रकार की प्राण शक्ति को प्राप्त करने वाला होकर हम अपने घर के बारे में इस प्रकार कह सकेंगे, क्या कह सकेंगे कि हे भवन तू उत्तम निवास के योग्य बन गया है, हे भवन तू कल्याण रूपी भी बन गया है, हे भवन तू यह सब सुख देखने वाला भी है, हे भवन क्या है, इतना ही नहीं भवन तू सब लोगों की उत्तमता के लिए ठीक ठीक उत्तम और अच्छा भी है। इस प्रकार हे भवन तू प्राण शक्ति से संपन्न और हमें उत्तम प्राण शक्ति देने वाला है, और क्या हे भवन तेरे अंदर खुली हवा खुली सूर्य की किरणें आ सकती हैं, इस कारण तेरे में प्राण शक्ति को बांटने की खूब क्षमता होने से इसके सब निवासियों को उन्नत करने वाला तू है। इस प्रकार इस मंत्र में प्राण शक्ति के बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए सुपाच्य भोजन, सत्संग, साथ ही उत्तम भवन जिनमें खुली वायु और सूर्य की किरणें आती हों, जो प्राण शक्ति को बढ़ा सके, उन्नत करने वाले हों, त्रिविध सुखों को देने वाला हो, अन्न रसों और दूध से भरपूर हो, ऐसा होना चाहिए। क्या क्या बातें बताइए, एक बार हम पुनः इस मंत्र की कुछ बातों को दोहराएंगे। प्रथमता जो है प्राण शक्ति की रक्षा के लिए बात कही गई है। इसके लिए प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए प्रथम तो जो भी हमारा निवास स्थान है वहाँ खिड़कियाँ अच्छी होनी चाहिए, सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में आएँ, क्योंकि सूर्य की किरणें अनेक रोगाणुओं का नाश करने वाली होती है। प्राणवायु अगर पर्याप्त मात्रा में वायु आ रही है तो हमारी प्राणवायु लगातार बढ़ेगी। उसके बाद भोजन जो है सुपाच्य होना चाहिए, उत्तम भोजन होना चाहिए जो हमारी प्राण शक्ति का बढ़ाने वाला हो, ना कि ऐसा भोजन करें जो प्राण शक्ति घटाने वाला हो। सत्संग के साथ ही सत्संग भी हमें करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में जब हम रहते हैं तो हमारे जो धन है वो कुसंग से होने वाला जो अपव्यय है वो बच जाता है, हमारा धन सदुपयोग में आता है, हम भोजन के लिए अपने परिवार के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं उनकी
उससे मदद कर सकते हैं, जब लोगों की मदद करते हैं तो इससे ख्याति फैलती है, साथ ही साथ लोगों की मदद होती है तो इससे भी हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। और जो प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले कार्य हैं उनको हमें इन कार्यों को करना चाहिए। त्रिविध सुखों को देने वाले जो कार्य हैं उनको करना चाहिए। ऐसे रसों और दूध से भरपूर भोजन को, उत्तम अन्न को हमें उपयोग करना चाहिए। आप भी इसका लाभ लें, अपने जीवन में इसे उतारें और जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करें। साथ ही साथ इस तरह के अन्य वैदिक मंत्रों की व्याख्याओं के लिए, वैदिक सिद्धांतों की व्याख्याओं के लिए, वैदिक सिद्धांतों के लिए प्रेरणादायक कहानियों, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों, वीरांगनाओं की जीवन की प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।